साथियों, बंगाल में आप दीदी से अपने अधिकार की बात पूछ देंगे तो वो बौखला जाती है, चिलमिला जाती है। यहां तक कि भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले कितना भी जहर उगल दे, दीदी को गुस्सा ही नहीं आता है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, इन दिनों भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें खुल रही हैं। अब तो इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भारत को बदनाम करना है, कैसे भारत की छवि को बिगाड़ना है। साजिश करने वालों की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि भारत को बदनाम करने के लिए वो चाय से जुड़ी भारत की पहचान पर हमला करने की बात कर रहे हैं, टी वर्कर्स की कड़ी मेहनत पर हमला करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, योग जैसी भारत की विरासत जिसे महर्षि अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद जैसे अनगिनत महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने निस्वार्थ भाव से दुनिया तक पहुंचाया, उस योग पर हमला किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने भारत के खिलाफ इन षड्यंत्रों पर, इन साजिशों पर दीदी के मुंह से एक भी वाक्य सुना है क्या? अनेक ऐसे हैं जिन्होंने, देश के लोगों ने दशकों तक सेवा का मौका दिया, वो भी या तो चुप है या इन षड्यंत्रों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों से मैं कहना चाहता हूं, देश इन षड्यंत्रों का पूरी ताकत से जवाब देगा। साथियों, मां माटी मानुष की बातें करने वालों में आज भारत माता के लिए आवाज बुलंद करने का साहस नहीं है। साहस इसलिए नहीं है क्योंकि इतने सालों में इन लोगों ने पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज किया है, करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और प्रशासन और पुलिस को पॉलिटिसाइज किया है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मारी जापी नरसंहार की दुखद बरसी थी। देश इस घटना को गरीबों और दलितों के इस नरसंहार को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन बंगाल तृणमूल से ये पूछना चाहता है, जिन्होंने नंदीग्राम में गोलियां चलाई थी, जिन्होंने गरीबों का खून बहाया, आप उन्हीं को पार्टी में क्यों शामिल कर रही है? बंगाल पूछना चाहता है, क्या बंगाल का गरीब क्या केवल वोट लेने के लिए ही है?